कुलगांव में मुठभेड़, 10 लाख का इनामी टॉप आतंकी कमांडर बासित डार समेत 2 ढेर, 18 मामलों में था शामिल। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगांव के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकी लश्कर ए तैयबा के ही मुखौटा संगठन TRF का टॉप कमांडर बासित अहमद डार था। भाजपा ने लालू परिवार और भाकपा माले पर निशाना साधा। चिराग बोले, लोगों का अनाज छीनना चाहते हैं ये लोग। बिहार की आरा लोकसभा से NDA प्रत्याशी RK सिंह ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान NDA घटक दल के सभी नेता मंच साझा करने पहुंचे। इनमें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लोजपा RV के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। सलमान के घर फायरिंग करने वाला 5वां आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश करेंगे। सलमान खान के घर के सामने फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने राजस्थान से 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की रैकी में मदद करने वाले 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे मुंबई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुद्दे दरकिनार, शहजादे शहंशाह और आरक्षण पर रार। पहले जोर शोर से उठे ये मुद्दे, फिर जुबानी जंग पर बढ़ा जोर। शहजादे शहंशाह मंगलसूत्र आरक्षण झूठ की मशीन, कुछ इस तरह के विशेषणों के इर्द गिर्द चुनाव सिमटता जा रहा है। पहले चरण में जहां पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों के जरिए जनता के मुद्दे उठाए, वही चुनावी रथ के तीसरे चरण में पहुँचते ही जुबानी जंग शवाब पर पहुँच गयी। इन सब के बीच जनता के मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। बिना आदेश दिए उठी बेंच। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। कांग्रेस में रहते क्यों नहीं दिखता राम, प्रेम छोड़ते ही क्यों लगाते हैं राम विरोधी होने का आरोप। आजकल जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, वे सब ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है। राधिका खेड़ा, अरविंद सिंह, लवली, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ जैसे नेता खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में रहते हुए भगवान राम की बात करना या हिंदुओं की हितों की बात करना अपराध माना जाता है। फिर से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन, 5वीं बार शपथ ली। कहा, देश का नेतृत्व करना सबसे पवित्र काम। आम चुनावों में जीत के बाद एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। सोमवार को क्रेमलिन में उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद समारोह को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस का नेतृत्व करना एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस कठिन अवधि के बाद रूस एक बार फिर मजबूती के साथ उभरेगा। सोनिया ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा, कांग्रेस इंडिया संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश के हर कोने में युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा हो। 10 मई को कन्नौज और कानपुर में सपा कांग्रेस की संयुक्त जनसभा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। अयोध्या और कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अब इंडिया गठबंधन ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 मई को पहले कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई है। 15 मई यानी बुधवार के दिन सुबह 11 बजे से नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस करने के लिए 17 मई को अपराह्न 3 बजे से पहले आवेदन कर सकते हैं।